आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हम 230 वोल्ट अप्लाई करें अक्रॉस अ वायर जिसकी लेंथ दे रखी है 14.1 मीटर लॉन्ग और उसका रेडियस दे रखा है 0.3 mm, तो जो मैग्नीट्यूड होगा करंट डेंसिटी का उसकी वैल्यू है 198 × 10⁸ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए हमें रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब है हमें रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो ये है रेजिस्टिविटी और एल इज द लेंथ और ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन में एल। लेकिन अब हमारे पास आर भी नहीं है तो वी इज इक्वल्स टू आई आर से आर का वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन आई। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा वी अपॉन आई इंटू ए अपॉन में एल। अब इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज गिवन है, लेंथ गिवन है और एरिया निकल सकता है, रेडियस गिवन है क्योंकि, तो लेकिन आई नहीं गिवन है। तो आई कैसे निकालेंगे, करंट डेंसिटी गिवन है, करंट डेंसिटी होता है जे इज इक्वल्स टू करंट अपॉन में एरिया। तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी जे इंटू ए। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ यूज कर लेंगे तो आ जाएगा वोल्टेज इंटू एरिया डिवाइडेड बाय जे इंटू ए इंटू एल। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वोल्टेज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 230, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 230 डिवाइडेड बाय 198 × 10⁸ और लेंथ की वैल्यू गिवन है 14.1 मीटर। तो 14.1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.08 × 10⁻ ohm मीटर। तो ये आगे हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, तो इसका आंसर आ गया 0.08 × 10⁻¹⁸ ohm मीटर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।